नमस्ते मैसी, आप सबको मेरी YouTube चैनल से एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। सो आज हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है आपको जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसका हल निकालना, तो हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगी कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आप बता सकते हैं कि वो एडिशन में आता है या फिर सब्ट्रैक्शन में आता है। तो चलिए, यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स ली हूँ और ये वर्ड्स को आपको पढ़ने के बाद आपको पता लगा सकते हैं कि वो एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एडिशन का मतलब होता है दोनों को जोड़ना, प्लस करना को हम लोग बोलते हैं एडिशन। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स ली हूँ, जैसे कि हम लोग का पहला आता है सम। सम सम मीन्स आपके क्वेश्चन में जितना भी नंबर होता है उसको आपको ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सम। देना था हम लोग का नेक्स्ट टोटल। टोटल का मतलब वही है, जितना भी नंबर आपके दिया गया होता है उसको आपको प्लस करना, तो हम लोग बोलते हैं टोटल। देन ऐड, ऐड का मतलब वही है, आपको क्वेश्चन में जितना भी नंबर दिया गया होता है उसको आपको ऐड करके जोड़ के आंसर हम लोग का जितना भी निकला उसको हम लोग बोलते हैं ऐड। देन हम लोग का निकलता है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है आपको क्वेश्चन में तीन चार नंबर दिए गए होते हैं और उसका आपको प्लस करके जितना भी आंसर निकला उसको हम लोग बोलते हैं ऑल टुगेदर। देन हम लोग का लास्ट में आता है हाउ मैनी इन ऑल। सो आपके क्वेश्चन में जितना भी नंबर दिए गए होते उसको आपको प्लस करके जितना भी हम लोग का आंसर निकला उसको हम लोग बोलते हैं हाउ मैनी इन ऑल। सो ऐसे हम लोग एडिशन का तो देख लिया, अभी चलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है घटाना, माइनस करना। सो सब्ट्रैक्शन में पहले हम लोग आता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है आपको दोनों नंबर के बीच का अंतर निकालना, तो हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। देन वैसे ही लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में जितना भी नंबर दिए गए होते हैं उसको आपको माइनस करके आपका जितना भी आंसर बचा उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। देन रिमेनिंग मीन्स दोनों नंबर को माइनस करने के बाद आपका जितना भी आंसर बचा उसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग। देन हम लोग का नेक्स्ट आता है हाउ मैनी मोर। हाउ मैनी मोर का मतलब है आपको क्वेश्चन में दो नंबर दिए गए होते हैं और उसको आपको माइनस करके बताना है कि एक नंबर के मुताबिक और एक नंबर कितना ज्यादा है उससे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाउ मैनी मोर। सो आज में वर्ड प्रॉब्लम का जो मेथड ली थी कि आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कैसे आप बता सकते हैं कि वो एडिशन में जाता है या फिर सब्ट्रैक्शन में जाता है, मैं उसे आपको अच्छे समझा चुकी हूँ। सो अगर आपके आज के वीडियो को देखने के लिए अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।